अर्ज है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, हाँ जो भी मारता है वो दहशत गर्द है, लेकिन बात यह है काशिफ कि ये हम पहुँचे कैसे, हम पहुँचे ऐसे कि हमने खुद पहले पाले जिनको आज हम दहशत गर्द कह रहे हैं उनको हम जहादी कहते थे, ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया हमने सेक्टेरियन किलर्स को पाला, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। मैं उस मीटिंग में एक दिन था तो सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी, ये आज से कई साल पहले की बात है, कि हम आपको आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते जी हमें इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में और जब चाहती नहीं। मैं हैरान रह गया। किसने कहा आपसे? ये सिपा साहबा के लोग थे और आप एक, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, एक टीवी एंकर थे, वो लेके आए, वो बीच में पड़े और मुझे बैठाया बीच में और मैं उनकी और शिया की करवा दूं। तो मुझे तब तब से ये, खैर काफ़ी सालों की बात है। बात यह है कि काशिफ इस मुल्क में हमने अपना बर्बादी खुद की है, खुद ही पहले हमने लोगों को एक तरफ लगाया, फिर उनको बाद में पैसे लेके, पहले पैसे लेके जहादी बनाया रूसियों के खिलाफ, फिर उन्हीं को ही अमरीकनों से पैसे लेके फिर दहशतगर्द बना दिया। तो ये जो आज हम यहाँ पहुंचे हैं, ये हमारे गुनाहों, हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। अब हमारे से बुरे हालात में कौमें रही हैं और निकल गई हैं, यानी ये नहीं कि ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। अप्रोच ये चाहिए पहले कि डील करें, जिधर 1.5 लाख हमारी फौज फंसी हुई है कबायली इलाके में, इधर से पहले निकले। इस इधर से निकलने का तरीका डायलॉग और अमरीका से डिस्टेंस करना है। जब तक आप अमरीका की जंग से डिस्टेंस नहीं करेंगे, और मुझे जहां तक पता है हकीमुल्लाह की एक कंडीशन थी, ड्रोन अटैक खत्म करें, क्योंकि ड्रोन अटैक जोड़ देते हैं हमें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की वजह से ड्रोन अटैक होता है, कि ये ड्रोन जो अटैक हुआ है ये कहते हैं पाकिस्तान ने जान के इंटेलिजेंस दिया यूके अमरीका। आखिरी 40 सेकंड है, इनको अलहदा कर दें और फिर अलहदा अलहदा जो सबके लिए कानून बना दें, जो कानून तोड़े उसको उसको सजा दें। आखिरी सवाल खान, अभी वजीर इत्तलात ने कहा कि हम अमरीका के करीब आना चाहते हैं, खान साहब हमारे लड़वाना चाहते हैं अमरीका के साथ, और सारा कॉन्टेक्स्ट के मुशर्रफ दौर में हुआ और आप उनके, यानी कि अपने लोगों की हिफाजत करना, अपने हकूक पे खड़े होना, अपनी सॉवरेंटी की को अपहोल्ड करना, मतलब कि अमरीकनों से लड़ाना है। यानी वो अमरीका के करीब आने का मतलब कि हम उनके जूते पॉलिश करना चाहते हैं, हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं, यानी और हम क्योंकि एक आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो हम लड़ा रहे हैं। ये यानी लड़ाई और ग़ुलामी के बीच में भी कोई जगह है, या आप लड़ेंगे और या ग़ुलाम बनेंगे। क्या एक कौम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? अमरीका का काम है अपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तानियों का काम है गवर्नमेंट का अपने, हमारे मुल्क के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। 50,000 लोग मरवा के, और हर रोज लोग मर रहे हैं, अभी भी खून काफी नहीं किया उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।